तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पे। और दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं, आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय देते हैं। दोस्तों, यदि स्टॉक मार्केट में आना है तो आप अपना होमवर्क करके आएँ और स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीख के आएँ कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं और इसमें इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो होमवर्क करके आएँ, नहीं तो आप जो है कंटिन्यूसली हमारी वीडियो के साथ बने रहें, हमारी वीडियो चेक करते रहें। यहाँ पे भी हम आपको स्टॉक एनालिसिस करके बेसिक थिंग्स बताते रहते हैं। तो दोस्तों, नए आए हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। दोस्तों, बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक हाईली रिस्की होते हैं, जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे त्रिवेणी इंटरप्राइजेस की। आज आप देख सकते हो इस स्टॉक की ट्रेडिंग बंद है। तो त्रिवेणी इंटरप्राइजेस जो कंपनी है, उसका BSE कोड जो 538569 है। आज इसकी जो प्राइस है 1 जनवरी को रिपोर्ट की गई है 4.47 है। तो आइए इसका लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं। हम आपको डायरेक्टली ले चलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे, यहाँ पे इसके लेटेस्ट अपडेट जो है वो जानेंगे, देखेंगे कि आज इस स्टॉक में किस तरह की ट्रेडिंग, किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दी गई है ऑन द अकाउंट ऑफ द GSM। दोस्तों, जब कोई स्टॉक हाईली वॉलेटाइल होता है तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर सर्विलेंस मेजर्स अप्लाई करती है, और इस स्टॉक को भी जो है वो अब GSM स्टेज 3 में डाल दिया गया है। तो ये जो स्टॉक है, ये अब क्या कह सकते हो कि आप स्टॉक एक्सचेंज के जो है वो सर्विलेंस के अंडर आ चुका है, स्टेज 3 में डाल दिया गया है। और ये जो स्टॉक है, ये मंडे को ही ट्रेड करेगा। आप देख सकते हो 1 जनवरी को इसकी ट्रेडिंग हुई थी, अपर सर्कल लगा था, और उसकी जो वंस ए वीक में ट्रेडिंग होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो ट्रेडिंग की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया था, ये स्टॉक 1 मंथ में 108% के जो है रिटर्न्स बना के दे चुका है। तो हमने 1 जनवरी को ही इसको कवर किया था। ये स्टॉक 1 मंथ में अपने निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में जब इतनी बड़ी तेजी आती है तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कुछ एक्शन लेती है, जिसके कारण इस स्टॉक की अब ट्रेडिंग जो है बंद कर दी गई है। इस स्टॉक की अब ट्रेडिंग जो होगी वो मंडे को ही होगी, ये आपको नोट करना है। अब इसके की मेट्रिक्स देख लेते हैं। दोस्तों, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स हमने आपको बताए थे, कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं रहे थे। जीरो ऑन जीरो बेसिस पे कंपनी की नेट इनकम गिरती ही दिखाई दे रही थी, लेकिन एक मार्केट सेंटिमेंट थी जिसके कारण ये जो स्टॉक है भागता दिखाई दे रहा था। इसमें बहुत ही शानदार रिवर्सल दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोस्तों, ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं कई बार ऑपरेटर्स के रडार में भी आ जाते हैं। तो इसके की इनसाइट्स आप देख सकते हो। पहले देख सकते हो, ये जो कंपनी अब न्यू डेब्ट अंडरटेक कर रही है, द कंपनी हैज अन आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑब्लिगेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 5 ईयर्स। तो 5 सालों में फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने डेब्ट जो है वो अंडरटेक किया है, ये भी आपको नोट करना है। एम्प्लॉई की कॉस्ट करें, द कंपनी हैज स्पेंट लेस देन 1% ऑफ द ऑपरेटिंग रेवेन्यू टुवर्ड द इंटरेस्ट एक्सपेंसिस एंड 0.72% टुवर्ड द एम्प्लॉईज कॉस्ट इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो एम्प्लॉई एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें तो वो तो स्टेबलाइज ही दिखाई दे रहा है, और इसकी जो टोटल एक्सपेंस है दैट इज लेस देन द 1% ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो यहाँ पे कोई भी इतना बड़ा जो है आप देख सकते हो कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है। हाँ, ये जरूर एक नोट करने वाली बात है कि कंपनी ने न्यू डेब्ट जो है वो अंडरटेक किया है, जिसके कारण इस स्टॉक में कुछ प्रेशर रह सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई कंपनी डेब्ट लेती है, या आप ही अपना कंडीशन देख लो, यदि हम कोई डेब्ट ले लेते हैं, किसी बैंक से डेब्ट लेते हैं, तो क्या रहता है, हमारी एक EMI आ जाती है, तो उसको भी जो है हमें कंटिन्यूसली रीपे करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक इंटरेस्ट लगता है। तो एक तरह से वो बर्डन ही दिखाई देता है। लेकिन यदि कंपनी इस डेब्ट को सही डायरेक्शन में लगाती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन में लगाती है, तो फिर इस स्टॉक में आपको पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए कंपनी के कंटिन्यूसली रिजल्ट्स चेक करने होंगे, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स चेक करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अभी देखो इसकी PE मल्टीपल 124 से ऊपर चली गई है, तो ये सबसे बड़ी अभी दिक्कत वाली बात यहाँ पे लग रही है। कंपनी की वैल्यूएशंस, कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 100 से भी ऊपर है, तो इतनी हाई वैल्यूएशंस कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना है। EPS अभी लो है, 0.04 का है। मार्केट कैप चलो 25 करोड़ के अराउंड है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, और इसका जो रैंक है मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली 56 है। प्राइस टू बुक रेशियो चलो इतनी ज्यादा नहीं है, 2.49 की है। डिविडेंड यील्ड इसका नील है। फेस वैल्यू पर शेयर की 1 रुपीज की है। 52 वीक हाई 4.70 का ही है।
और 52 वीक लो देखो 1.86 का है। तो लोअर लेवल से बहुत ही बढ़िया रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल गई है। लेकिन दोस्तों अब फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, वैल्यूएशंस हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण इस स्टॉक में जो है वो गिरावट तो होनी ही थी। तो जब तक कंपनी नंबर्स इंप्रूव नहीं करेगी, जब तक कंपनी का जो नंबर जीरो ऑन जीरो बेसिस पे इंप्रूव नहीं होंगे, तो तब तक थोड़ी दिक्कत रह सकती है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो जो सितंबर क्वार्टर में नंबर्स आए थे, वहां पे टोटल इनकम भी बढ़ गई थी और पैट भी बढ़ गया था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर कंपनी के नंबर जो है वो इंप्रूव हो गए हैं। टोटल इनकम में 12% की ग्रोथ है और पैट में देख सकते हो 62% की ग्रोथ है। अब यदि दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर इंप्रूव हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दोस्तों शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में दिक्कतें रह सकती है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में क्या होगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अभी ये जो स्टॉक है ये सर्विलेंस सिस्टम में डाल दिया गया है और इसलिए इस स्टॉक में कुछ दिक्कतें अभी शॉर्ट टर्म में रह सकती हैं। अभी ये कंपनी जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ट्रेडिंग का काम करती है, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेडिंग करती है। कंपनी कोई बुरी नहीं है दोस्तों, लेकिन एक छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, इसलिए आपको अब इस स्टॉक पे थोड़ा अलर्ट रहना है। शॉर्ट टर्म में कंपनी के ऊपर जो है थोड़ा आपको फोकस करना है। यदि आप पहले से निवेश करके बैठे हो तो आप मंडे को ही चेक कर सकते हो, मंडे को ही इस स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप इस स्टॉक में अभी कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, यदि आप एक फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो आप इस स्टॉक में डिप का वेट कर लें। जैसे ही इस स्टॉक में कोई डिप आएगा तो जरूर इस स्टॉक में जो है वो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों आइए इसके कंपनी की बैलेंस शीट का डाटा भी देख लेते हैं, टोटल एसेट्स का डाटा देख लेते हैं कैसे बढ़ रहा है। मार्च 23 एंड सितंबर 23 वहां पे देख लेते हैं, इसके टोटल एसेट्स ही देख लेते हैं, वहां से हमें काफी कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो मार्च 23 में कंपनी के पास टोटल एसेट्स 13.95 थे, तो सितंबर में थोड़े से इंक्रीज जरूर हुए हैं। ये जरूर एक पॉजिटिव ट्रेंड है, कंपनी के एसेट्स जो है थोड़े से बढ़ते जरूर दिखाई दिए हैं। 13.95 करोड़ के कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे इन द मार्च 23, जबकि सितंबर 23 में 14.06 हो गए हैं। तो ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो फ्लैट इंडिकेशन ही दिखाई दे रही है, कोई ज्यादा बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिला हुआ है। सिमिलरली रिजर्व भी देख लो, कैश में भी सिमिलर टाइप का ही ट्रेंड देखने को जो है वो आपको मिल जाएगा। और कंपनी जैसे हमने आपको बता ही दिया है डिफरेंट टाइप के जो टेली कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स हैं उनमें डील करती है और उनकी ट्रेडिंग करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। कंपनी 1984 में जो है वो शुरू हुई थी। तो इसलिए दोस्तों आप इस स्टॉक में जैसे हमने आपको बताया है क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लें, दिसंबर क्वार्टर के नंबर चेक करने के बिना अभी कोई भी फ्रेश एंट्री मत लें। हाँ, पहले से निवेश करके बैठे हो तो आप इस स्टॉक में डिप में एवरेज कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक्स अगेन।